जय मसीह के दोस्तों, आज के सूर्य के मन्ना का भाग हमने लिया है मत्ती के पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका वचन 43 से 45 के बीच में। वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकती फिरती है पर नहीं पाती। तब वो कहती है, जिस घर में से मैं आई थी अपने उसी घर को लौट जाऊंगी। और जब वो लौट कर आती है तो उसे खाली झाड़ा पुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से अधिक दुष्ट अन्य 7 आत्माओं को ले आती है कि वे प्रवेश करके वहां रहने लगती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस दुष्ट पीढ़ी के लोगों के साथ ऐसा भी होगा। हालेलुया, परमेश्वर कहता है ऐसा ही होगा। क्यों? बाइबल क्या बताती है हमें, वचन क्या बताता है कि पाप एक भयंकर चीज है और पाप को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा और यीशु मसीह ने लहू बहाया शुद्ध और हमें शुद्ध किया, पूरी तरीके से हमें शुद्ध किया ताकि हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए। लेकिन दोस्तों, एक मसीह जीवन बिताते हुए, एक शरीर में जीते हुए, अगर आपसे कहीं कोई पाप होता है, अगर कहीं कोई गलत बात होती है, कोई गलत चीज आपके मन में आ जाती है, हमें पूरी तरीके से उसको निकालना है, हमें पूरी तरीके से शुद्ध करना है। अगर हम उसको शुद्ध नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से, अगर हम उस पाप को, उस गलत भावना को, उस विचार को, अपने अहंकार को, अगर पूरी तरह से हम अपने मन से, अपने अंदर से नहीं निकाल पाएंगे, तो वो पाप जो हमारे अंदर रह गया है वो उन दुष्ट आत्माओं को बुलाएगा, उन दुष्ट आत्मा को बुलाएगा और वो दुष्ट आत्माएं और सशक्त होकर और शक्तिशाली होकर आपके अंदर आ जाएंगी और वो जो पाप एक चिन्ह के रूप में, वो जो पाप एक मामूली सा चिन्ह लेकर आपके अंदर रहता है, वो बलशाली हो जाएगा, वो शक्तिशाली हो जाएगा और आपको पूरी तरीके से परमेश्वर से दूर कर देगा। इसलिए दोस्तों, हमें अपने हर पाप को अपने अंदर से निकालना है, हमें महसूस करना है कि हम जो कर रहे हैं, अगर हमने गलत किया है, महसूस करिए। अगर आप महसूस करते हैं कि आपने गलत किया है, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है, अगर आपने कोई ऐसा पाप किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, उसी समय घुटने टेकिए मेरे भाई मेरी बहन, उसी पल गहरी भावना से उस पाप को अपने अंदर से निकालिए और परमेश्वर के करीब आइए। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 6 का 6 लिखा हुआ है, उसमें कहता है कि परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कौन से कक्ष में जाने की बात कर रहा है? उस कक्ष में जहां पर आपका पाप छुपा हुआ है, उस कक्ष में मत्ती कहता है कि उस कक्ष में जा जिस पाप को तूने दुनिया को बताया नहीं है। वो पाप अभी भी तेरे अंदर है, अभी भी तू उसको प्रकट नहीं कर पा रहा है, अभी दूसरों को बता नहीं पा रहा है कि तेरे अंदर गलत क्या है, अभी भी तेरे अंदर घमंड है, अभी भी तेरे अंदर क्षमा ना करने की भावना है, अभी भी तेरे अंदर स्वार्थ है, अभी भी तेरे अंदर क्रोध है, अभी भी तेरे अंदर व्यभिचार है, अभी भी तेरे अंदर लालच है। उस पाप को अंदर से निकाल मेरे भाई मेरी बहन, अंदर से निकाल, भीतरी कक्ष में जाकर जो गुप्त में देखता है। पिता कहां देखता है? गुप्त में। वो जो पाप गुप्त में छुपा हुआ है उस पाप को वहां से निकाल और पूरी तरीके से आजाद हो जाए, नहीं तो वो दुष्ट आत्मा, वो पाप बढ़ेगा, वो पाप उन दुष्ट आत्माओं को फिर से अंदर लेकर आएगा और हमें परमेश्वर से दूर कर देगा। दाऊद का यही हाल हुआ था, इसलिए भजन संहिता 51:3 में कहता है कि मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। क्यों सम्मुख रहता है? क्योंकि आप उसे निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि आप उसे घृणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने घुटने आप नहीं टेके हैं, क्योंकि आपने पूरी तरीके से नहीं बताया है। आप बताइए अपने लीडर्स को, बताइए अपने पास्टर्स को, बताइए बोलिए कि मुझसे पाप हुआ है, बोलिए उस पाप को बाहर निकालिए मेरे भाई मेरी बहन, नहीं तो आप उस पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसीलिए बाइबल कहती है मत्ती 24:13, जो अंत तक पवित्र रहेगा, जो अंत तक संभला हुआ रहेगा, वही उद्धार पाएगा, वही जाएगा परमेश्वर के पास। इसलिए हमें अपने आप को संभालना है, इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, इसलिए हमें अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र करना है, पवित्रता के साथ रहना है, कोई भी चीज, कोई भी पाप हमारे अंदर ना रहे। दोस्तों ये चेतावनी परमेश्वर की ओर से, दोस्तों ये चेतावनी परमेश्वर कह रहा है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर उड़ेला है ताकि हम उसकी सहायता से सशक्ति शक्ति पाकर और अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र करके परमेश्वर के चरणों।
पिता परमेश्वर सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, सुख मांगता हूँ, शक्ति मांगता हूँ परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे भाई सुनने हैं, जो हमारे भाई देख रहे हैं परमेश्वर, अगर आप में से किसी ने पाप किया, इसी समय घुटने टेकिए और उस पाप को पूरी ईमानदारी के साथ पूरी गहराई से निकालिए। क्योंकि एक पाप, एक छोटा सा पाप अगर आपके अंदर रह गया तो कहीं हम परमेश्वर से दूर ना हो जाए, कहीं हमें जो मुकुट मिलने वाला है वो हमसे दूर ना हो जाए। इसलिए भाई बहनों, हमें बहुत ही सचेत रहना है, हमें बहुत ही अलर्ट रहना है कि कहीं शैतान हमारे जीवन में काम ना करे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। हम प्रार्थना करते हैं सुनने वाले देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगता हूँ, बुद्धि मांगता हूँ, ज्ञान मांगता हूँ, शक्ति मांगता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमेन, आमेन।